जमात इस्लामी की जानिब से फलस्तीनियों से इजहार जगजहती और इजरायली जारियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा भी किया है। इस बारे में मजीद जानते हैं, फारहान यामीन हमारे साथ हैं। फारहान बताएगा एहतजाज किया गया है। बिल्कुल, इस वक्त में लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर जमात इस्लामी की जानिब से फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए और साहली जारियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। मेरे साथ नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच मौजूद है। लाहौर में इस वक्त लाहौरियों की तरफ से फलस्तीनियों से हमायत के लिए इसराइल की जारियत की मजम्मत के लिए एक बड़ा मुजाहरा किया जा रहा है। ये असूली बात है कि इस वक्त मस्जिद अक्सा हमारा किबला अव्वल माह रमज़ान में इस लैलतुल कदर की रातों में इसराइल की जारियत का शिकार है, लेकिन मुस्लिम हुक्मरान एक ज़बानी जमा खर्च कर रहे हैं, महज बयानात दे रहे हैं। हम समझते हैं कि ये मौका है कि अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास भी बुलवाया जाए, OIC का इजलास भी बुलवाया जाए, फलस्तीनियों की गैर मुतज़लज़ल हमायत की जाए और इसराइल की जारियत के ख़िलाफ़ दो टोक मौक़िफ़ अख्तियार किया जाए। हम पाकिस्तान की हकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि सिर्फ तकरीरें मीडिया कॉन्फ्रेंसें नहीं, बल्कि उन्हें चाहिए कि अफ़गानिस्तान के मसले पे, फ़लस्तीन के मसले पे, सबसे बढ़कर कश्मीर के मसले पर दो टोक एक वाज़े पॉलिसी बनाई जाए। जी बिल्कुल, नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच का कहना था कि जो मसला कश्मीर है, मसला फलस्तीन है, मसला अफगानिस्तान, इसके ऊपर हर पाकिस्तानी हुक्मरानों को वाज़े मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। जी शुक्रिया आपका फरहान यामीन, जिस तरह से आपने बताया।